चलो खैर कोई दिक्कत। अब वो इट शुड बी स्टार्टेड विद बींग और फोर, ठीक है ना। और लिखने का कभी एक तरीका होगा ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं लिख सकते थे बी सी ब्रिंग हिज कैपिटल, बी सी इंट्रोड्यूस्ड हिज कैपिटल। तो लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, समरी लिखने का कोई एक तरीका नहीं होता, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। दूसरी जर्नल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लेकर आया सी, कितने बाबू? फर्म की गुडविल उसने बताई कितनी है बेटा? 60,000, ठीक है ना। फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय शेयर, सी का शेयर कितना है? 1/5। तो ये क्या आ गया बेटा? सी शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि बेटा 12,000। तो सी पैसे कितने लेके आया होगा गुडविल के नाम के? 12,000। पूरे तो नहीं ला सकता ना, आप कह दो 60,000 ही लिया सी, सारी रेपुटेशन के पैसे तो ही लिया। अगर सी सारा ले आएगा तो सारा शेयर दे रहे हो क्या आप? जितना शेयर दे रहे हो उतना ही तो लाएगा ना गुडविल बेटा, ठीक है जी। तो लो बेटा एंट्री क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये अमाउंट है बेटा 12,000। नरेशन, बिना नरेशन के कोई क्वेश्चन नहीं होगा बेटा। बीइंग सीज कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। मैंने नरेशन लिखा बींग सी ब्रिंग्स कंपनसेशन, प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ और थोड़ी है बेटा, जो कंपनसेट करने के लिए लाया वही तो है बेटा, क्योंकि ए और बी ने इसके फेवर में सेक्रीफाइस किया है, तो ये ए और बी को कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। लास्ट वन, गुडविल लाने की एंट्री नहीं होती, हमेशा दो। गुडविल लाए, फर्म ने क्या करा, इसको लाइबिलिटी बुक करा, और अब इस लाइबिलिटी को फर्म खत्म करेगी, एंट्री करेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सेक्रीफाइजिंग पार्टनर यहां पर दोनों है बेटा, ए ने भी सेक्रीफाइस किया है और बी ने भी सेक्रीफाइस किया है, और दोनों ने इक्वल रेशियो में सेक्रीफाइस किया। अभी हमने सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाली थी, तो बेटा 12,000 का इक्वल इक्वल अमाउंट मिल जाता। अगर बेटा 3:1 में सेक्रीफाइस किया होता तो 12,000 को 3:1 में बांट देता, 9,000 और 3,000 दे देता, ठीक है ना जी। बींग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी, बाबू पेशेंस टेस्ट मत करो, थोड़ी देर बाद गलती होगी थी, जो मर्जी हो यही बोलेगा बेटा फिर। अगर अब कोई कुछ भी हुआ है ना फिर मैं बताऊंगा बेटा, उसके बाद ना साल तक कुछ नहीं होगा बैच में। गलत पंगा ले रहे हो तुम, ध्यान रखना। चलो जी बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाबू रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। लो जी रीड करना क्वेश्चन नंबर 19 मेरे साथ साथ। अब वो क्वेश्चन कहता है गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5। दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है जी। गोल्ड और सिल्वर दो पार्टनर है, 2:5 इनकी ओल्ड रेशियो है, नया पार्टनर कॉपर सिर्फ अपने शेयर की गुडविल 14,000 ला रहा है। इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल बताई नहीं, डायरेक्टली कॉपर का शेयर ऑफ गुडविल दे दिया 14,000 है, कहता है जिसको गोल्ड और सिल्वर आपस में बांट लेंगे, ठीक है जी। वो बांटेंगे क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, इसका मतलब कहता है कॉपर शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस विल बी 1/4। तय हुआ कि कॉपर को कितना शेयर दे रहे हैं हम, 1/4 दे रहे हैं। वट विल बी द न्यू पी एस आर एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द कॉपर विल बी रिसीव्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर। देखो बेटा अगर क्वेश्चन मुझसे ना पूछता, ये
क्वेश्चन का व्हाट विल बी द न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर क्या होगी और गुडविल कितनी बांटेंगे, जो गुडविल कॉपर लेकर आया है गोल्ड और सिल्वर कितनी गुडविल का अमाउंट बांटे। ठीक है जी? सर न्यू पीएसआर मैं सिर्फ एक वजह से निकालता हूं, इस पूरे चैप्टर में मुझे न्यू पीएसआर का कुछ नहीं करना होता। मैं क्यों निकालता हूं? सिर्फ सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन ने गड़बड़ कर दी, अगर ये ना कहता ना मैं कुछ भी ना करता। ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो वुड बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो। मुझे सीधा सेक्रीफाइस पता होता, मैं सीधा का सीधा जर्नल एंट्री करता। इसने मुझे फंसा दिया, इसने कहा पहले न्यू पीएसआर निकाल लो और फिर बताओ गुडविल का अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गोल्ड और सिल्वर। मेरी मजबूरी, सबसे पहले लेट द टोटल शेयर बी वन, वन माइनस वन फोर थ्री फोर, थ्री फोर्थ को शेयर करेंगे बेटा टू बाई सेवन, फोर्थ का एक ले जाएगा, न्यू पीएसआर आ जाएगी। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशो और उसके बाद मेरा क्वेश्चन आगे बढ़ सकता। ठीक है जी? करें बेटा, थोड़ा स्पीडी करेंगे बेटा, ठीक है ना? और आगे के क्वेश्चन थोड़े से अब आपने भी करने हैं, ये भी ध्यान रखना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19, गोल्ड और सिल्वर दो पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो 2:5 और बेटा कॉपर एडमिट हुआ फॉर द 1/4 शेयर। अब क्वेश्चन में क्या करोगे, लेट द टोटल शेयर बी इक्वल एंड टू 1, ठीक है ना? रिमेनिंग शेयर आफ्टर कॉपर शेयर, कोई दिक्कत तो नहीं? और बेटा इस 3/4 को गोल्ड और सिल्वर बांट लेंगे। कैसे? गोल्ड ले जाएगा, बेस बराबर कर दो बेटा, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, यानी कि बेटा न्यू पीएसआर वुड बी 6:15 और 7। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और ऐसे केसेस में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, जो ओल्ड रेशो है। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है मेरे पास, 2:5। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी, अब कर रहे हैं जर्नल एंट्री। बाबू जर्नल एंट्री बिना फॉर्मेट के कोई मत करना, ठीक है ना? और ये आदत बना लो, जितनी जल्दी पड़ेगी उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है जी, कितनी गुडविल लाया था कॉपर बेटा, 14,000 रुपये। बाबू एंट्री क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लो कॉपर्स गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना बेटा, 14,000 रुपये। और इसको बांट लेंगे बेटा गोल्ड और सिल्वर, तो दूसरी एंट्री हुई होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट और बेटा टू सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा किस रेशो में बांट लेंगे 14,000 को, सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:5 है बेटा, तो 14,000 को बांट लेना 2:5 में, क्या आएगा बेटा 4/10। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और नरेशन के बिना गाड़ी चलेगी नहीं आगे, दोनों जर्नल एंट्री में नरेशन पढ़े आगे, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं आई अभी तक। लो प्यारे, करते हैं बात एक और क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। लो जी, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ना जरा। विमल एंड निर्मल आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अ न्यू पार्टनर कैलाश इज एडमिटेड, विमल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर, विमल ने अपने शेयर का 1/5 दे दिया, एंड निर्मल गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर, निर्मल ने अपने शेयर का 2/5 दे दिया उसको। सर रेशोस तो क्लियर है ना, ये तो समझ ही गए होंगे ना किसकी बात चल रही है, क्या बात चल रही है। चलो जी, फॉर द पर्पस ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। फर्म की गुडविल 75,000 है, कैलाश का शेयर करने देख लेंगे हम अभी बेटा क्या है। फर्म की गुडविल 75,000 है, ठीक है जी। कहता है कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अब जर्नल एंट्री करते टाइम कैश, ठीक है ना? एंड विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, रिटेन्ड इन द बिजनेस मतलब नॉट विदड्रॉन, बिजनेस में ही रहेगी गुडविल, मतलब निकाली नहीं। और निकाली नहीं तो मैं तो विदड्रॉ की एंट्री वैसे भी नहीं करने वाला था, जब तक कहे ना क्वेश्चन, तो मैं तो वैसे भी दो एंट्री करने वाला था, अब भी दो ही करनी है मुझे तो।
ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा, आगे बढ़ो जी। कहता है बेटा जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन, तो ठीक है बेटा जर्नलाइज करेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री करने से पहले मेरे सामने मुद्दा क्या है, सैक्रिफाइजिंग रेशो। सैक्रिफाइजिंग रेशो के बिना मेरी गाड़ी बढ़ी नहीं सकती आगे, तो बेटा सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सैक्रिफाइजिंग रेशो। बाबू एक बार मेरे को बता देना अगर मैं कुछ गलती करूं, दो पार्टनर हैं विमल और निर्मल, ऐसे ही है, ओल्ड बीएसआर इनकी 3:2, और बेटा एक पार्टनर एडमिट हुआ कैलाश, इसका शेयर नहीं बताया मुझे, क्या बताया हुआ है, नहीं बताया बेटा। विमल के लिए क्या बोलता है बेटा, विमल ने क्या दिया उसको, 1/5 ऑफ हिज शेयर, क्या करा विमल ने, 1/5 दे दिया अपने शेयर का, ठीक है ना। और बेटा निर्मल ने 2/5 ऑफ शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर, बेटा अपने शेयर का 2/5 दे दिया, वो बाय चांस की बात है कि बेटा उसका शेयर भी 2/5 है, 2/5 ऑफ हिज शेयर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो बेटा मिला तो कैलाश को अल्टीमेटली वही होगा जो आपने छोड़ा है, इसने छोड़ा है 3/25 और इसने छोड़ा है बेटा 4/25, यानी कि बेटा कैलाश का शेयर कितना है, कोई दिक्कत तो नहीं। और बेटा यहां पर एलसीएम ले लो 25, तो बाबू न्यू पीएसआर मेरे सामने आ गई 12, 6 और 7, ठीक है ना। मुझे सैक्रिफाइस रेशो यहां पर बड़े अच्छे से दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे से, कि 3:4 है, इसने छोड़ा है 3/25, इसने छोड़ा है 4/25, सैक्रिफाइसिंग रेशो मुझे तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, 3:4 है, पर बेटा मैं लिख नहीं सकता, ठीक है ना, मुझे तो वही तरीका चलाना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है बेटा 3/5, दूसरे पार्टनर की कितनी है 2/5, बाबू न्यू रेशो कितनी है 12/6/25, एलसीएम वुड बी 25, 15 - 12 दैट मीन्स 3/25, यहां पर भी एलसीएम 25 दैट मीन्स 4/25, तो बेटा ये आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:4, कोई दिक्कत तो नहीं। बड़े आगे बेटा जर्नल एंट्री करने से पहले एक बार कैलाश का शेयर ऑफ गुडविल निकाल देना, फर्म की गुडविल 75,000 और कैलाश को मिला है बेटा 7/25, ऐसा ही है ना बेटा, ये कैंसिल करोगे 3000 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट मींस कैलाश शेयर्स ऑफ गुडविल इज 21,000, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हुई होगी बेटा, पहली एंट्री कैश से करनी है, उसने लिखा था गुडविल इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है ना। तो पहली एंट्री हुई होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अरे कितना है बेटा 21,000, और दूसरी एंट्री हुई होगी बहुत ही सिंपल बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो विमल और निर्मल थे ना पार्टनर, विमल्स कैपिटल अकाउंट और बेटा निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो अभी निकाली थी, वो आई थी बेटा 3:4, तो 21,000 को बांट देना बेटा 3:4, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ये हम बात को लेकर। अब हमने 3 क्वेश्चन कर लिए बेटा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन 24, एक 19, एक 20, है ना, 21 आप कर रहे हो, दो पार्ट हैं, एक एक मिनट के हैं दोनों, मैं फिर भी 5 मिनट दे रहा हूं दो पार्ट करने के लिए, आपका टाइम स्टार्ट हो गया, अब 5 मिनट में दोनों करके दिखाओ। बाबू बी पार्ट मैं कर रहा हूं, एक बार पढ़ो, कहता है बी एन सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2, ओल्ड बी एस आर पता है बी और सी की 3:2 है, डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2100 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, कहता है डी प्रीमियम के 2100 ला रहा है सिर्फ अपने शेयर के, जो शेयर 1/4 है, ठीक है जी,
कहते हैं विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी. तो सबसे पहले दिन की पीएसआर की बात है, 1/6 फ्रॉम दिस 1/12 फ्रॉम दिस. सबसे पहले दिन पीएसआर में यही चर्चा हुई थी. लो जी खैर, अब लो 21 का बी पार्ट. भाई बी और सी की पुरानी रेशो 3:2 ऐसा ही है. डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी. क्या इन दोनों को प्लस करके 1/4 ही आ रहा है? करके देख लेना 1/4 ही आ रहा है. तो भाई बी का नया शेयर कितना? पुराना शेयर था 3/5 और उसने दे दिया 1/6 किसी को. सी का पुराना शेयर 2/5, उसने दे दिया 1/12 किसी को. एलसीएम वुड बी 13/30 या एलसीएम आएगा 19/60. बेस बराबर कर लो 26/60, ये 19/60 और अगर मैं डी के एंगल से सोचू तो बेटा 15/60. ये आ गई न्यू बी है सर. सेक्रीफाइस निकाल लियो. मेरे को तो यहीं से सेक्रीफाइस दिख रहा है. आप कितना छोड़ रहे हो और आप कितना छोड़ रहे हो, ठीक है ना. आप 1/6 छोड़ रहे हो और दूसरा छोड़ रहा है 1/12. बेस बराबर कर लो 2/12 रेशो 1/12, यही सेक्रीफाइस है 2:1, ठीक है. हाँ जी, अच्छा फिर कैसे करी जर्नल एंट्री तूने सेक्रीफाइसिंग रेशो के बिना? कैरी करने की जरूरत तो नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है. हाँ हाँ, तो करना तो है ना. हाँ वर्किंग नोट में करना है, ठीक है ना. ये ना कहो कि उनको दिखाना नहीं है, दिखाना है, वर्किंग नोट में दिखाना. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फेयर सॉल्यूशन. हमेशा सुन लो इशिका जी, एक मिनट मेरी बात सुन लो बाबू. जो क्वेश्चन कहे रिक्वायरमेंट वो फेयर सॉल्यूशन है और उसके अलावा जो कुछ भी है वर्किंग नोट है. और आप बोर्ड में ये नहीं कर सकते ये मैंने करा और उसके बाद दो बड़े बड़े काटे कि मैंने तो नहीं दिखाना, या मैं सोचूं मैंने तो सबसे आखिरी में लिखा रफ वर्क और ये सब मैं बिल्कुल आखिरी में कर रहा हूं रफ वर्क, कुछ नहीं चलेगा. एक नंबर मिल जाएगा 5 में से. सब करके दिखाना है. और आपको पता है सीबीएसई ने नई शीट दे दी 12th क्लास को अकाउंट्स की. पता है क्या किसी को इस बार शीट आएगी नहीं? पता है कैसे है? 16 पेपर प्रिंटेड है, बाकी के 8 में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिंटेड है, 8 में लेजर का फॉर्मेट प्रिंटेड है. बस लेजर के क्वेश्चन लेजर में, जर्नल एंट्री के जर्नल एंट्री में, बाकी प्लेन प्लेन में. दिखाऊंगा अभी अभी आपको सैंपल दिखाता हूँ, आपके ग्रुप में बेचता हूँ. 5-10 मिनट दो मुझे, ठीक है जी. आपने देखी नहीं होगी ऐसी शीट बनाई सीबीएसई ने भी भाई साहब. लो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22. सर देखने में लगेगा कि कुछ नया नहीं है पर बहुत कुछ नया होगा क्वेश्चन नंबर 22 में, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है. अच्छा एनर्जी अलग हो जाती है लास्ट क्वेश्चन सुन के ना, मतलब चलो लो. कहता है बीएनसी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1. सर सामने देख लो सारे, ये काम का बनेगा क्वेश्चन बहुत. दे एडमिट डी एज अ पार्टनर इन अ फर्म, डी पेज प्रीमियम ऑफ 15,000 फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स. बेटा बी और सी पुराने पार्टनर 3:1 ओल्ड रेशो. डी ने अपने शेयर के लिए जो 1/3 है उसके लिए 15,000 रुपए प्रीमियम ऑफ गुडविल दे दिया. बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी एग्रीज टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. बी और सी ने कहा हम फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे. बहुत अच्छी बात अगर उन्होंने कह दिया कि हम इक्वली शेयर करेंगे. और अगर मेरे को फ्यूचर पीएसआर पता है तो तब भी क्वेश्चन कैसे होना है, लेट द टोटल शेयर बी इक्वल टू 1. बहुत बढ़िया. ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री शोइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रीमियम मनी. अच्छा जी मुझे बताना है प्रीमियम मनी कैसे बटेगी. लो प्यारे बच्चों मैं करूंगा क्वेश्चन बिल्कुल तरीके के साथ, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ. ये क्वेश्चन नंबर 22 है. बी और सी की ओल्ड रेशो
मुझे ओल्ड रेशो का यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। उसने मेरे को फ्यूचर पीएसआर बता दी कि बी और सी चाहते हैं कि फ्यूचर में बराबर रहे, और डी कह रहा है मैं 1/3 शेयर के लिए आया हूँ, ठीक है ना, और अपने 1/3 शेयर के लिए 15,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के भी दे रहा। ऐसा ही है बेटा, ठीक है जी। बी और सी की ओल्ड रेशो बस मैं लिख रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को सेक्रीफाइसिंग में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है जी। बाबू फ्यूचर पीएसआर पता है, बी और सी की और डी की रेशो पता है, ऐसा क्वेश्चन हो सिर्फ एक ही तरीके सकता है, लेट द टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। मान लिया मैंने 1, अगर मैंने डी को 1/3 शेयर दे दिया तो बेटा टोटल शेयर कितना बच गया, 2/3, और 2/3 शेयर को कैसे बांटेंगे, बी और सी बांटेंगे बेटा, कैसे, जैसे वो फ्यूचर में शेयर करना चाहते हैं इक्वली, तो आधा ये ले जाएगा आधा ये ले जाएगा, यानी कि बेटा 2/6 और बेटा अगर मैं इसका भी बेस बराबर करूं तो ये भी 2/6, यानी कि बेटा न्यू पीएसआर वुड बी 111। क्या बी और सी का शेयर वैसे ही आ गया, बी और सी ने कहा था फ्यूचर में हम इक्वली चाहते हैं, देखो आ गया इक्वली, कोई दिक्कत तो नहीं, और डी ने कहा था मैं 1/3 चाहता हूँ, आ गया जी डी 1/3, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू ओल्ड रेशो मेरे सामने है, न्यू रेशो मेरे सामने है, कैलकुलेट द सेक्रीफाइस, ठीक है ना, और सामने देखना बेटा क्वेश्चन धासु है बहुत। बाबू बी का सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशो इज 3/ एंड द न्यू इज, सर सेक्रीफाइस है क्या, देखो बेटा सोचो ना मन में सोचो है कि नहीं है, 75% पहले मिलता था आज सिर्फ 33%, इतना बड़ा सेक्रीफाइस है, मुझे नहीं पता भाई तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है, लिखते लिखते दिमाग चल रहा होता है मेरा कि अच्छा हाँ ये तो 75 हो गया, इतना हो गया, ठीक है ना। बताओ जी ओल्ड शेयर 1/4, न्यू शेयर सेक्रीफाइस है या नहीं, पुराना शेयर 25%, नया शेयर 33%, सेक्रीफाइस है, कमा रहे हो आप तो नए पार्टनर कहने से, गेन कर रहे हो, सेक्रीफाइस नहीं, और ये चीज कैलकुलेशन में भी दिख जाएगी, देखना पहले ही कहा था मैंने कैलकुलेशन में दिख जाएगा, मैं निकाल रहा था सी का सेक्रीफाइस, एंड सेक्रीफाइस इज इन नेगेटिव टर्म्स, दैट मीन सेक्रीफाइस नहीं गेन, सी ने सेक्रीफाइस नहीं करा, सी ने तो कमा लिया, और सर ऐसा हो सकता है कि पहले तो आपको भी मिलता था, बी कहता था 75% मेरा, सी को 25% मिलता था, और जब डी आया तो रेशो ऐसे बटी कि तीनों को 33-33% मिलने लगा, तो बेटा सेक्रीफाइस करने वाला एक इंसान रह गया खाली, बी, सी ने भी गेन कर लिया, और नया पार्टनर तो हमेशा ही गेन करता है बेटा, पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं, क्वेश्चन नया है कि नहीं है, तुम सोच रहे होंगे ऐसे ही करा रहा हूं मैं, इसकी रेलेवेंस है, ठीक है ना, और यहां जर्नल एंट्री में हल्का सा ट्विस्ट आएगा बेटा, ठीक है ना, समझदार वैसे समझ गए होंगे, समझदार तो समझ गए होंगे कि जर्नल एंट्री में क्या ट्विस्ट है। अच्छा ये बताओ डी जो लाया था गुडविल 15,000 लाया था ना अपने शेयर के लिए, लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना, मैं बिना फॉर्मेट बिना नरेशन के कर रहा हूं लेकिन आप नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो बेटा पहली एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, डी पैसे कितने लेके आया, 15,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्की बात बेटा। दूसरी एंट्री सुन लो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, हम बांटते थे गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइस करने वाले यहां दो है एक कौन, सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया, ठीक है ना। तो बेटा ये 15,000 पे जो हक रखता है ना सिर्फ बी रखता है, सी तो नहीं रखता ना, कि आपने तो सेक्रीफाइस ही नहीं करा, तो लो प्यारे बच्चों हम देंगे ये 15,000 रुपए तो सिर्फ बी को ही, लेकिन बेटा एक और ट्विस्ट है। अच्छा इसको क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी रुक जाओ, एक और ट्विस्ट है। बी ने पूछा सी से, सी पहले क्या लेता था, सी ने कहा 25%, पर अब 33%, अच्छा तूने भी कमा लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि खाली डी पैसे देगा भाई, क्यों कंपनसेट कर रहा है डी, क्योंकि डी के फेवर में आपने सेक्रीफाइस कर दिया पूरी जिंदगी के लिए, 33% शेयर छोड़ दिया,
तो सेम सिचुएशन सी के साथ भी तो है। सी को पहले 25 मिलता था, अब 33। क्या पूरी जिंदगी के लिए 8% प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया पूरी जिंदगी के लिए? तो खाली डी क्यू पैसे लाए। पैसे तो किसको लाने चाहिए? सी को भी लाने चाहिए। और बेटा आपको पता है नगद ना तो आते हैं, देखो वो तो नया पार्टनर है इसलिए वो नगद लेकर आ रहा है, ना तो नगद आते हैं ना ही नगद जाते। सी से लेना है ना, सी की कैपिटल को उठा के कम कर दो। और कैपिटल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। कम करना हो डेबिट। तो हमने क्या करा, सी की कैपिटल को उठा के कम कर दिया। किसी तू भी देगा बी को, खाली डी नहीं देगा, खाली डी के फेवर में सेक्रीफाइस नहीं करा उसने, उसने तेरे फेवर में भी सेक्रीफाइस करा 8% का, तो तू भी देगा। ठीक है ना? अब मैं बता रहा हूं 90% बच्चे उसकी कैलकुलेशन में ही गड़बड़ कर देते हैं, इसकी कैलकुलेशन में ही गलती कर देते हैं। मैं बता देता हूं गलती क्या करते हैं पहले, और आपने जिंदगी में रिपीट नहीं करनी। क्वेश्चन ने दिया मुझे डी शेयर ऑफ गुडविल 15,000, ठीक है ना? कितना गेन करा बेटा सी ने? 1/12। बच्चे पता क्या करते हैं, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। अरे बेवकूफो, ये 1/12 फर्म के शेयर में लगाओ, फर्म की गुडविल में लगाओ। मतलब डी के शेयर ऑफ गुडविल को मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा सी के गेन से। बच्चे क्या करते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, गलती बता रहा हूँ आपको। बच्चे लगता है अच्छा गुडविल दी हुई है फर्म की, अरे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे ढंग से। फर्म की गुडविल नहीं दी हुई, डी शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेटा? 15,000। 15,000 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/12। नहीं, कैसे करना है सुन लो ऐसे क्वेश्चन को। पहले फर्म की गुडविल निकालो थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग। कैसे? देखो मैं अभी तक एक फॉर्मूला यूज कर रहा था, लिख नहीं रहा था। फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय डीज शेयर इज इक्वल टू डीज शेयर ऑफ गुडविल। ऐसे ही तो आता था ना बेटा, डी का शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल में अगर मैं डी का शेयर लगा दूं तभी तो निकल रहा था ना। अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं ये फॉर्मूला नहीं है, तो लो प्यारे बच्चों अभी मैं साबित कर देता हूं कि फॉर्मूला यही है। ये देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर शायद 20 है, देखना है एक मिनट। क्वेश्चन, फर्म की गुडविल कितनी दी हुई थी? 20,000, 75,000, यही है ना? फर्म की गुडविल कितनी दी हुई थी? 75,000। नए पार्टनर का शेयर मिसिंग था, एक ने 3/25 दिया था, एक ने 4/25। तो नए पार्टनर का शेयर कितना था? 7/25। और ये नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल आया था। यानी कि फॉर्मूला तो यही है ना, फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। पहले बताओ यही है कि नहीं है? फर्म की गुडविल 75,000 मल्टीप्लाइड बाय नए पार्टनर का शेयर 7/25, तो बेटा आ गया नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल कितनी? 21,000। यही है ना, हर चीज लिखवाई जा सकती है। नहीं, मैं फॉर्मूला लिखवाऊं, क्यों लिखवाऊं? अब यहां पर भी यही सोचो, मैंने भी तो यही करा। मैं जब इस फॉर्मूले का यूज सीधा सीधा कर रहा था तो बेटा रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या प्रॉब्लम है? अगर मुझे डी का शेयर ऑफ गुडविल पता है और डी का शेयर पता है, फर्म की गुडविल नहीं निकल सकती, ठीक है ना? तो फर्म की गुडविल इज द क्वेश्चन मार्क, डी का शेयर है 1/3, और बेटा डी का शेयर ऑफ गुडविल दे रखा है 15,000, तो क्वेश्चन मार्क किसके बराबर आ गया? 45,000। यानी कि फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 45,000। अगर फर्म की गुडविल 45,000 है और सी ने गेन करा है 1/12 का, तो बेटा यानी कि सी का गेन आ गया 3,750, यानी कि बी को टोटल पैसे मिलेंगे 18,750। 15,000 तो ला के दिए डी ने, क्योंकि आपने डी के लिए सेक्रीफाइस करा, आपने सी के लिए भी सेक्रीफाइस करा, तो सी ने अपनी कैपिटल कम करा ली लेकिन बी की कैपिटल बढ़वा दी 3,750। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल वन, गलती समझ में आई? बच्चा क्या करेगा, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1/12। भाई फर्म की गुडविल नहीं दे रखी, फर्म की गुडविल निकाल ले पहले, जल्दी ना कर, ठीक है? बोरिया बिस्तर पैक करें, कितनी कितनी जल्दी आफत। होमवर्क लेते जाओ, 15-20 क्वेश्चन है ऐसे क्या? अच्छा 15-20 नहीं दूंगा आज, ठीक
ठीक है आज मैं कम दू, अरे मैं रुक जाओ भाव जी, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 लिखो होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 to 50। अरे मतलब ये तो मैं ऐसे बोलने के लिए कह रहा हूं, मैं फ्लो फ्लो में फिसल गया, बस क्वेश्चन नंबर 11, एक 11 क्वेश्चन छुड़वा दिया था ना मैंने रेशो वाला, मैंने कहा होगा दो तीन दिन बाद गुडविल का पता लगेगा तब होगा, तो ये वो है, बस तीन। यार आज तू फर्स्ट क्लास में कभी पढ़ लेती ना तो तेरे मम्मी पापा को और मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, ठीक है ना। अब एक इलस्ट्रेशन नंबर 18 की प्रॉब्लम मैं आज ले रहा हूं, बाकी 16-17 कल, टाइम तो तुम्हारा पूरा ही है, बाहर यमराज इंतजार कर रहे हैं, रुक जो, कह रहे टाइम हो गया, आ रहे आ रहे ये आ रहे भी, आ रहे यमराज आ रहे, लो इलस्ट चलो कर ले रहे हैं, 16, 17 और 18 तीन है ना बस। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।